चुनावी सभाओं का दौर जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। कोई अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है तो कोई वादों की झड़ी लगाए हुए है। अनारकली वार्ड 22 ई से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अनिता बहल द्वारा एक सभा का आयोजन चंदू पार्क इलाके में किया गया, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। आज की आपकी जो सभा है, इसका मोटिव क्या है? आज की जनसभा हम लोगों के जागरूक करने के लिए करवाई थी। यहाँ पर हमारे जल मंत्री कपिल मिश्रा जी आए थे, जिन्होंने लोगों को बताया कि हमने क्या काम किए हैं और आगे हमारे क्या एजेंडे हैं, हम क्या काम करेंगे। जो लोगों को नहीं पता जिन कामों के बारे में, वो बताया ताकि लोगों को पता चले हमें वोटिंग क्यों करें, अब वोट करेंगे तो हम क्या क्या कार्य करेंगे उनके लिए। इसको जागरूक करने के लिए, जनता के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। ये फंक्शन क्या, आपका मेन मोटिव क्या है, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, मेन मोटिव जो हमारा था वो ये है कि हम प्रारंभ से अपने एनजीओ के माध्यम से, नमिता मेरी वाइफ हैं, मैं प्रवीण बहल, हम अपने एनजीओ सुनहरा बचपन के माध्यम से पिछले 5 वर्षों से लगातार समाज की सेवा में एक्टिव रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हम अपनी समझ के करते आए हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए अवेयरनेस रैली हो या फिर बाल मजदूरी के खिलाफ रैलियाँ हों, उसके अलावा हमने टाइम टू टाइम लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी दिए हैं। इसी प्रकार हमने कई और कार्यक्रम समाज के लिए भी हमने कई कार्य किए हैं। इसको देखते हुए पार्टी ने हमें अपनी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से भी हम लोग काफ़ी प्रभावित थे और आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन भी की इस बीच, और पार्टी ने हमें टिकट के लायक समझा और क्षेत्र की सेवा का एक मौका दिया है, जिसे हम एक्सेप्ट करते हुए समाज के लोगों में, वैसे भी हम लोग समाज के लोगों को पता है कि हमने बहुत काम किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे और MCD के अंदर हमें लेके आएंगे। हम आपके साथ हैं जी। अभी तक भी जैसा हमें देखने को मिल रहा है, अभी तक आप बहुत मेहनत कर रही हैं, जगह जगह जाकर सबकी समाज सेवा कर रही हैं, तो आगे आप किस तरीके से काम करेंगी बताना चाहेंगे अपनी जनता? अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, हमारे नगर निगम में जो कार्य नहीं हुए हैं, मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो कार्य करने हैं। जैसे सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं, नालियाँ बड़ी हुई हैं और कूड़ा नहीं उठ रहा है, उससे घर घर में हम जाके मिल रहे हैं लोगों से, वो लोग इतने परेशान हैं इसे कूड़ा करकट से। तो पहले मैं चाहूँगी सबसे पहले नगर निगम में ये दिल्ली की सफाई की जाए, जो सबसे जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग इतने परेशान हैं, उनके घरों में कूड़ा कचरा नहीं उठता, सड़कों पर नहीं उठता, तो इस परेशान है। तो मैं चाहती हूँ नगर निगम में सबसे पहले आके मैं सफाई करूँ, जिससे लोगों को ये लगे कि साफ़ सफाई होगी तो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। सबसे पहले मेरा MCD में काम यही होगा। आज 4 तारीख है भाई साहब, 23 तारीख को वोट डलना है, अगले 19 दिन सारे तमाशे नजर आएंगे आपको, सारे तमाशे, पुलिस का तमाशा, CBI का तमाशा, ED का तमाशा, इनकम टैक्स का तमाशा, रॉ का तमाशा, जितने तमाशे हैं अगले 19 दिन सारे तमाशे नजर आएंगे। हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन नगर निगम के ऊपर चर्चा नहीं होगी। नगर निगम के ऊपर मैं बात करने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनके निगम पार्षदों की चोरी जनता की आंखों के सामने खुलेआम पकड़ी गई है, क्योंकि निगम में इनका भ्रष्टाचार दिल्ली के बच्चे बच्चे को मालूम है, इसीलिए सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सारे मुद्दों के खिलाफ किसी और मुद्दे पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बहुत खतरनाक साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे ये बात बताई है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के तुरंत बाद बिजली का डिपार्टमेंट और पानी का डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट दिल्ली की सरकार से छीनकर और दिल्ली नगर निगम को देने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों कर रहे हैं वो ये साजिश? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली के दाम आधे करने की घोषणा की, 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने की घोषणा की। याद करो, शीला दीक्षित के टाइम पे आपके बिजली के बिल कितने के आते थे, क्या हालत होती थी बिजली के बिलों की, उसके बाद बिजली के बिलों में राहत मिली है। आज दिल्ली में जितनी बिजली खर्च करने पे 1300 रुपए का बिल आता है, उतनी बिजली खर्च करने पे गुजरात में 2600 रुपए का बिल आता है, उतनी बिजली खर्च करने पे महाराष्ट्र में 2700 रुपए का बिल आता है। जहां जहां पे बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की सरकारें हैं, वहां की जनता उनसे पूछती है कि जब दिल्ली में बिजली सस्ती हो सकती है तो हमारे यहाँ भी सस्ती करके दिखाओ। तकलीफ में है ये लोग, दबाव में है ये लोग, इनको मालूम है कि दिल्ली में बिजली पानी महंगा नहीं किया तो पूरे देश में बिजली पानी सस्ता करना पड़ेगा, इसकी तकलीफ है, इसीलिए साजिश रच रहे हैं, छल कपट षड्यंत्र कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के बिजली और पानी के डिपार्टमेंट को छीन कर और उसको दिल्ली नगर निगम को दे दें, इसकी साजिश रच रहे हैं। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी तो मुझे इस पर भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता,
लेकिन जिन नेताओं ने ये बात बताई उन्होंने कहा कि याद करो ये एंटी करप्शन ब्यूरो भी छीन के ले गए थे, हम तुम तब भी कहते थे कि एसीबी ले लेंगे, तुम कहते थे नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो छीना या नहीं छीना दिल्ली सरकार से? जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो छीना है ऐसे ही बिजली पानी का डिपार्टमेंट छीनने की तैयारी है। और जो लोग 1997 से पहले दिल्ली में रहते थे उनको ये बात मालूम है कि 1997 से पहले बिजली और पानी दोनों दिल्ली नगर निगम के अंडर में आते थे। ये दोबारा उसी कानून को बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनको बिजली और पानी का रेट बढ़ाना है। इससे बचने का क्या रास्ता है? दिल्ली का जल मंत्री होने के नाते आपको एक बात बताता हूं, आज इस शहर के अंदर 12,50,000 परिवारों का जीरो बिल आया है, पानी का जीरो बिल, 12,50,000 परिवारों का पानी का बिल आया है जीरो। अब ऐसे लोगों के अगर दोबारा बिल आने लगे 1,000 रुपए 1,500 रुपए के 1,200 रुपए के बिजली के बिल आपके दोबारा वैसे आने लगे जैसे शीला दीक्षित के टाइम पे आते थे तो किसकी जेब पे डाका पड़ा? आपकी और हमारी जेब पे डाका पड़ा, आपकी और हमारी जेब पे डाका डालने की तैयारी चल रही है। वो ये मान के बैठे हैं कि किसी तरह से बीजेपी या कांग्रेस नगर निगम में आ जाए और ये बिजली पानी के रेट दोबारा बढ़वा दे। इससे बचने का केवल एक रास्ता मेरी समझ में आता है, आपकी समझ में कोई और रास्ता आए तो उस पे विचार करना, लेकिन मेरी समझ में केवल एक रास्ता आता है, इससे बचने का केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को वोट देना। क्योंकि अगर दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आती है तो उसके बाद ये बिजली पानी दिल्ली की सरकार के पास रहे या दिल्ली के नगर निगम के पास रहे, पानी बिजली के दाम इनका बाप भी नहीं बढ़ा सकता उसके बाद। इसलिए अपनी जो बचत आज हो रही है उसको भी अगर बना के रखना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर अपनी गली का नाली का सड़क का मंदिर के सामने का मस्जिद के सामने का कूड़ा उठवाना है तो भी आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भी आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। और हाउस टैक्स के नाम पे चलने वाले काले धंधे को खत्म करना है तो भी आम आदमी पार्टी को नगर निगम के चुनाव में वोट देना चाहिए। दिल्ली की सरकार के कामों के बारे में ये पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं, पिछली सरकार ने 5 साल में 18 कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली थी, हमने पिछले 2 साल में 309 कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली है दिल्ली के अंदर। पिछले 2 साल में सरकारी स्कूलों में 8,000 कमरे बनाए गए हैं दिल्ली में, एक नया सरकारी स्कूल बनता है तो उसमें 40 कमरे बनते हैं, 8,000 कमरों का मतलब है 2 साल में 200 नए सरकारी स्कूलों के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक टोटल अगर 200 नए सरकारी स्कूल बने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, लेकिन अगर नहीं बने हो तो हमारा हक बनता है आपसे वोट मांगने का दिल्ली नगर निगम के चुनाव में। इनकी सरकार के टाइम पे डिस्पेंसरी बनती थी, एक पीले रंग की बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए की डिस्पेंसरी बनाते थे, 5 करोड़ रुपए की, और उस डिस्पेंसरी में इलाज कराने लेके जाओ अपने किसी बच्चे को, आज कंपाउंडर नहीं है, आज डॉक्टर नहीं है, आज दवा नहीं है, आज पट्टी नहीं है, पूरी जिंदगी की यही कहानी थी उन सरकारी डिस्पेंसरियों की। और हमने बनाई मोहल्ला क्लिनिक, ये बनाते थे 5 करोड़ की डिस्पेंसरी, हमने मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए में बना के तैयार कर दिया, दवा मुफ्त, इलाज मुफ्त, टेस्ट मुफ्त। और हिंदुस्तान की अकेली सरकार है जो कहती है एमआरआई और सिटी स्कैन भी मुफ्त कराएंगे, और अगर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की डेट 30 दिन से ज्यादा पुरानी लंबी पड़ती है तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठा दे रही है। हिंदुस्तान में अकेली ऐसी सरकार है। भारत माता की। सरकार के काम के नाम पे अगर कंपेयर करना हो तो तराजू लेके कंपेयर कर लो, दिल्ली नगर निगम में बदलाव के लिए कंपेयर करना हो तो देख लो कौन सी पार्टी बदलाव कर सकती है। सोच के समझ के 23 तारीख को अपना वोट दें, इनके बहकावे में आके अपना वोट मत दें। ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, किसी जाति की प्रधानी का चुनाव नहीं है। इस चुनाव के वोट से आपकी कोई पंचायत का प्रधान नहीं चुना जाएगा, इस चुनाव के वोट से आपका विधायक नहीं चुना जाएगा। 23 तारीख के रिजल्ट के बाद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री वही रहेगा जो मुख्यमंत्री, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी वही रहेगा जो प्रधानमंत्री है, कोई नहीं बदलेगा। केवल एक चीज बदलेगी 23 तारीख के वोट से, आपका निगम पार्षद बदलेगा 23 तारीख के वोट से। दिल्ली नगर निगम के मुद्दों पे वोट दे, सफाई के लिए वोट दे, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए वोट दे, और वोट जरूर दे। इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी कारण, पिछले 20 साल से इस शहर का एक दुर्भाग्य रहा है,
इस शहर में सत्ता में कोई और पार्टी बैठती थी, नगर निगम में कोई और पार्टी बैठती थी, सरकार में कोई और पार्टी बैठी है, नगर निगम में कोई और पार्टी बैठी, और हमेशा का एक ही रोना, विधायक कहता है निगम पार्षद काम नहीं करने देता, निगम पार्षद कहता है विधायक काम नहीं कर, ऐसे ही होता है ना। अभी इनको पानी की लाइन डालानी है, ये मेरे पास आते हैं पानी की लाइन डालनी है, मैं कहता हूँ डालो, फिर अगले दिन आते हैं नगर निगम एनओसी नहीं दे रहा, फिर नगर निगम एनओसी देता है तो उसके ऊपर रोड रिस्टोरेशन चार्ज की फीस 50 लाख की लाइन में 2 करोड़ रुपए का रोड रिस्टोरेशन चार्ज की फीस लगा के भेजते हैं। विधायक नगर पार्षद के पास जाओ किसी गली मोहल्ले सड़क के काम के लिए, वो कहता है विधायक काम नहीं करने दे रहा। 20 साल के बाद दिल्ली वालों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, जिसकी दिल्ली में सरकार चुन के रखी है, जिसका विधायक जिता के रखा है, उसी पार्टी का निगम पार्षद जिता के भेजो, और उसके बाद देखो कौन बहाना बना सकता है काम करने के लिए। उसके बाद काम करना पड़ेगा, उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता विधायक काम नहीं करने दे रहा, पार्षद काम नहीं करने दे रहा। विकास की ये टूटी हुई कड़ी है, इसको जोड़ने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। एक बार ये दोनों हाथ एक साथ जुड़ जाए, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ जब चलेंगे तो आप देखना कृष्णा नगर का विकास किस प्रकार से होता है। अगर आपको लगता है कि ये 4-5 कारण ऐसे बनते हैं कि 23 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, तो एक बार हाथ उठा के मेरे को भरोसा दे दें कि कौन कौन लोग इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी ऐसा पीछे भी खड़े होकर हाथ उठा सकते हैं अगर मन है वोट देने का तो, और जोरदार भारत माता के नारे के साथ अपनी बात करो, बोलो भारत माता की जय।